हाँ देखो नेक्स्ट टॉपिक प्रोटीन। प्रोटीन पढ़ने टॉपिक कवर किया हम लोगों ने। पहला टॉपिक कवर किया हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट के बारे में, है ना। जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग प्रोटीन। तो जिस प्रकार से कार्बोहाइड्रेट बायो मॉलिक्यूल की कैटेगरी में आता है ना, कि उसी तरीके से प्रोटीन भी क्या होता है, एक प्रकार का बायोमोलिक्यूल है। अगर मैं प्रोटीन के सोर्स की बात करूं तो प्रोटीन जो होता है इसके जो सोर्स हैं मिल्क में भी पाए जाते हैं, मिल्क में पाए जाते हैं। ये किसमें पाए जाते हैं, मीट में पाए जाते हैं, ये फिश में पाए जाते हैं एक्सेट्रा, इन सभी चीजों में, पीनट में भी पाए जाते हैं, दाल में, है ना। इन सभी चीजों में ये प्रोटीन क्या होते हैं, पाए जाते हैं। अगर मैं ह्यूमन बॉडी की बात करूं प्रोटीन, प्रोटीन का यूज क्या होता है बॉडी में, क्या प्रोटीन एनर्जी देती है, हाँ। ये एक प्रकार का बॉडी बिल्डिंग का काम करता है, जैसे हेयर का, हेयर के निर्माण में, नेल के निर्माण में, और किसमें, टिश्यूज के निर्माण में, है ना। इन सभी के निर्माण में प्रोटीन क्या करता है, काम करता है। अगर प्रोटीन की कमी हो जाती है बॉडी में, है ना, तो इससे कुछ डिजीजेस क्या होते हैं, जो उत्पन्न हो जाते हैं हमारी बॉडी में, है ना। प्रोटीन में प्रोटीन ह्यूमन बॉडी के, मानव के शरीर के, मानव के शरीर के निर्माण में और उसकी वृद्धि में आवश्यक होते हैं, ठीक है। आगे देखो, जैसे अपने पास अगर प्रोटीन है, तो जब प्रोटीन का हाइड्रोलाइसिस कराते हैं हम लोग, ठीक है, प्रोटीन का जब हाइड्रोलाइसिस कराया जाता है तो अपने को पेप्टाइड्स मिलते हैं, पेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड, ठीक है। और जब पेप्टिन पेप्टाइड्स का हाइड्रोलाइसिस कराया जाता है, ठीक है, तो यहां पर अल्फा एमिनो एसिड क्या होते हैं, मिलते हैं। यानी अगर मैं प्रोटीन की बात करूं तो प्रोटीन की जो इकाई होती है वो तो क्या होती है, एमिनो एसिड होती है, है ना। यानी प्रोटीन किससे मिलकर के बनते हैं, अमीनो एसिड से मिलकर के, अल्फा अमीनो एसिड से मिलकर के क्या होते हैं, ढेर सारे अल्फा अमीनो एसिड मिलकर के पेप्टाइड बनाएंगे, और खूब सारे पेप्टाइड मिलकर के क्या बनाएंगे, ठीक है। इसकी यूनिट क्या होती है, अमीनो एसिड होती है, ठीक है। इसको देखो, तो सबसे पहले बात करें हम लोग अमीनो एसिड, ठीक है। अब अमीनो एसिड की अगर बात करें तो अमीनो एसिड जो है ये दो वर्ड से मिलकर के बना है, एक तो इसमें पाए जाने वाले, और दोनों एक तो एमाइन ग्रुप से मिल करके, और एक दूसरा कोई ग्रुप है जो एसिडिक नेचर का है। यानी इसमें जो ग्रुप है, एक एमाइन ग्रुप है
NH2 ग्रुप जो कि किस नेचर का होता है, बेसिक नेचर का, और दूसरा एक एसिडिक ग्रुप है और वो ग्रुप कौन सा होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। यानी ये बॉन्ड COOH होता है और ये किस नेचर का होता है, एसिडिक नेचर का होता है। यानी मैं अल्फा अमीनो एसिड की अगर मैं संरचना बनाऊं तो अल्फा अमीनो एसिड कुछ इस तरीके का होगा, यहाँ कार्बन, ये NH2, ये बॉन्ड COOH, ये बॉन्ड H, और यहाँ कोई अल्काइल ग्रुप या एराइल ग्रुप लगा हुआ है यार। है ना, ठीक है, NH2 यहाँ हम कर दें, सब यल सीरीज के होते हैं ना, तो NH2 यहाँ करने के बाद में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यानी R जो है एक साइड चेन है, एक पार्शियल श्रृंखला है जो इस कार्बन से क्या है, जुड़ी हुई। R की वैल्यू ये रख सकते हैं, आज वैल्यू CH3 कुछ भी रखेंगे बाद में रखेंगे। तो ये आपका क्या होता है, अब आप देखो ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप आपका कौन सा है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, जो कि किस नेचर का, एसिडिक नेचर का। और ये ग्रुप कौन सा है, एमाइन ग्रुप है, जो कि किस नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है। और ये जो कंपाउंड पूरा का पूरा बनता है, ये क्या होता है, अल्फा एमिनो एसिड है, ठीक है, ये होता है अल्फा एमिनो एसिड, ठीक है। इसमें देखो आप प्रोटीन एक पॉलीमेरिक यौगिक होता है, प्रोटीन एक पॉलीमेरिक यौगिक होता है जिसका मोनोमेरिक यौगिक अल्फा अमीनो एसिड होता है। इसका मोनोमेरिक यौगिक, सॉरी मोनोमेरिक यूनिट अल्फा एमिनो एसिड होता है, ठीक है, हो गया। एसिड होता है। आगे देखो टाइप ऑफ एमिनो एसिड, एमिनो एसिड के टाइप की बात करें तो कुल एमिनो एसिड जो होते हैं ये 26 टाइप के होते हैं, है ना, कुल 26 प्रकार के एमिनो एसिड पाए जाते हैं, जिनमें से 20 एमिनो एसिड जो होते हैं ये कितने होते हैं, ये कॉमन होते हैं, बाय द वे 26 पता है क्या है, और 6 जो होते हैं, 6 एमिनो एसिड ये स्पेशल टिश्यूज में पाए जाते हैं, है ना, जिनमें से 20 क्या होते हैं, कॉमन होते हैं, और 6 एमिनो एसिड क्या होते हैं, स्पेशल टिश्यूज में पाए जाते हैं। जैसे कुछ एमिनो एसिड की बात करें वो देखे तो इसको आप देखो फिर बात करें इसको, जैसे अल्फा एमिनो एसिड मैंने क्या बताया, आर बॉन्ड सी बॉन्ड सी ओ एच, ये बॉन्ड एच, और यहाँ बॉन्ड NH2। इनमें से कुछ का एग्जाम्पल देखना है, अगर हम लोग अगर आर की वैल्यू एच रखी है, आर की वैल्यू एच रखें लोग, तो अपने को जो कंपाउंड मिलेगा एच बॉन्ड सी, ये बॉन्ड NH2, ये बॉन्ड एच, यहाँ सी ओ, नाम क्या हो जाएगा इसका, ग्लाइसिन, ये क्या है, ग्लाइसिन है। अगर मैं R की वैल्यू CH3 रखूं तो CH3 बॉन्ड C बॉन्ड COOH और ये बॉन्ड H, यहाँ बॉन्ड NH2, नाम क्या होगा इसका, एलाइन, है ना। और अगर R की वैल्यू मैं रखता हूं CH3
ये बॉन्ड सी एच और ये बॉन्ड सी एच थ्री। आज जो अगर रखे हम लोग सी एच थ्री बॉन्ड सी और यहाँ बॉन्ड सी एच थ्री, ये सी एच बॉन्ड सी बॉन्ड एन एच टू और ये बॉन्ड एच बॉन्ड सी ओ एच, नाम इसका क्या हो जाएगा वैलिन। अगर आर की वैल्यू एच रखे तो ग्लाइसिन, आर की वैल्यू सी एच थ्री रखा तो एलानिन, आर की वैल्यू सी एच थ्री बॉन्ड सी एच बॉन्ड सी एच थ्री रखा तो नाम क्या हो जाएगा इसका वैलिन हो जाएगा। तो एक उस प्रकार के अमीनो एसिड होते हैं, ठीक है, जिसको आप नोट डाउन कर लीजिए। आगे देखो क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्फा एमिनो एसिड, अल्फा अमीनो एसिड का वर्गीकरण, ठीक है, अल्फा अमीनो एसिड का वर्गीकरण। जिनमें से सबसे पहला क्लासिफिकेशन देख रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ द पीएच वैल्यू, पीएच मान के आधार पर। तो पीएच मान के अगर बात करें तो सबसे पहला एसिडिक अमीनो एसिड, पहला जन कौन सा होगा एसिडिक अमीनो एसिड। एसिडिक अमीनो एसिड में क्या होगा कि जो एनएच टू ग्रुप होगा, एनएच टू ग्रुप की जो संख्या होगी, जो नंबर होगी वो वन होगी। एनएच टू ग्रुप की नंबर कितनी होगी, नहीं एमाइन ग्रुप कितने होंगे, एक होगा। और जो आपका सी यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप है COOH, इसकी नंबर, इसकी संख्या दो या दो से, इसकी संख्या दो हो सकती है, दो से अधिक भी हो सकती है ना, लेकिन जनरली दो ही होती है। इसकी संख्या कितनी होगी, दो होगी। अगर NH2 ग्रुप की संख्या यानी एमाइन ग्रुप एक हुआ और कार्बोक्सिलिक ग्रुप दो हुआ तो उस एमिनो एसिड का नेचर कौन सा हो जाएगा, बोलो क्या नेचर एसिडिक होगा, नेचर कौन सा हो जाएगा एसिडिक हो जाएगा। एग्जांपल के लिए जैसे देखे हम लोग, जैसे एस्पार्टिक एसिड, जैसे गैस कौन सा एस्पार्टिक एसिड हो गया, जैसे आपका ग्लूटामिक एसिड हो गया, है ना। एस्पार्टिक एसिड में देखो आर की जो वैल्यू होती है, आर इक्वल किसके होता है, ये होता है सी एस टू और ये बॉन्ड सी ओ एच, है ना। ग्लूटामिक एसिड में आर इक्वल किसके होता है, सी एस टू बॉन्ड सी एस टू और ये बॉन्ड सी ओ एच होता है ना। दोनों में आर की वैल्यू ये होती है, अगर आर की वैल्यू सी एस टू बॉन्ड सी ओ एच हुई तो एस्पार्टिक एसिड, अगर सी एस टू बॉन्ड सी ओ एच हुआ तो क्या होगा ग्लूटामिक एसिड होगा। और इन सभी के नेचर कौन से होते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं एक सी एस टू तो इसका है, एक सी एस टू अल्फा अमीनो एसिड वाला, तो दो सी एस सी ओ एच हो जाएंगे और यहाँ पर जो नेचर हो जाएगा उस अमीनो एसिड का कौन सा नेचर हो जाएगा, एसिडिक नेचर होगा। दूसरा देख लो एसिडिक अमीनो एसिड हो गया बेसिक अमीनो एसिड, बेसिक अमीनो एसिड। देखो बेसिक अमीनो एसिड में क्या होगा, NH2 जो ग्रुप होगा यानी एमाइन ग्रुप की जो संख्या होगी वो दो होगी, जबकि कार्बोक्सिलिक ग्रुप की संख्या कितनी, एक। कार्बोक्सिलिक ग्रुप की संख्या कितनी, जैसे एग्जांपल के लिए लाइसिन, जैसे हिस्टीन, है ना। अगर लाइसिन हुआ तो ग्रुप कौन सा होगा, यहां होता है ये सी एस टू का होल फोर और ये बॉन्ड एन एस टू। देखो एस्टीन एक ऐसा अमीनो एसिड होता है जो सल्फर युक्त होता है, सॉरी सिस्टीन होता है, यस भाई यस, है ना। अगर ये हुआ तो ग्रुप कौन सा हो जाएगा, ये सी एस टू और यहां बॉन्ड एस एच होते हैं, ये सल्फर युक्त क्या होता है अमीनो एसिड होता है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान में रखें, ये तो बेसिक नेचर का होगा, न्यूट्रल देखते रहे, न्यूट्रल नोट होगा, वो
उदासीन अमीनो एसिड है ना। न्यूट्रल अमीनो एसिड में क्या होगा, NH2 जो ग्रुप है NH2 ग्रुप की संख्या कितनी होगी और कार्बोक्सिलिक ग्रुप की संख्या कितनी होगी, 1 होगी। जैसे ढेर सारे एग्जांपल हम लोगों ने अभी देखे हैं, जैसे कि आपका वो क्या कहते हैं ग्लाइसिन, ग्लाइसिन एलानिन और कौन सा वैलिन हो गया है ना, ये सभी कौन से हैं न्यूट्रल अमीनो एसिड है, उदासीन अमीनो एसिड है। क्यों, क्योंकि NH2 की संख्या भी 1 है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप की संख्या कितनी है, 1 है। ठीक है, उपयोगिता के आधार कौन से या आवश्यकता के आधार पर, तो अगर मैं आवश्यकता के आधार पर देखूं तो दो कैटेगरी होती है, एक तो आवश्यक होंगे एक अनावश्यक होंगे। आवश्यक अमीनो अल्फा अमीनो एसिड वो होंगे जिनको आप जो हमारी बॉडी प्रिपेयर नहीं करता है, जिनको हमारी डाइट के थ्रू हम उसे प्रोटीन को ले अपनी बॉडी में इंजर्ट करवाते हैं है ना। और कुछ अमीनो नॉन एसेंशियल क्या होता है, जिनको हम अपनी डाइट में नहीं देते, हमारी बॉडी स्वयं प्रिपेयर करती है उसे, वो नॉन एसेंशियल होते हैं। तो इसको लिखने जैसी कोई बात नहीं, आप थ्योरेटिकल तरीके से लिख सकते हैं है ना। तो आप लिख लो उपयोगिता के आधार पर, रीडिंग डाल लो उपयोगिता के आधार पर, जिनमें से सबसे पहला लिखने गया आवश्यक आवश्यक अमीनो एसिड। ठीक है, मैं समझा दे रहा हूं आप लिख लेंगे दोस्तों। ठीक है, और दूसरा कौन सा होगा अनावश्यक, आवश्यक में कौन सा लिखना है आपको, जिनको हमारी बॉडी प्रिपेयर नहीं करती है, जिनको बाहर से अपने भोजन के थ्रू बॉडी में क्या किया जाता है, भेजा जाता है, ये आवश्यक हो गए। अनावश्यक क्या होते हैं, जो हमारी बॉडी स्वयं क्या करती हो, प्रिपेयर करती हो, निर्माण करती हो, जिनको बाहर से हम उसको अपनी बॉडी में इंजर नहीं कर पाते, अनावश्यक होते। ठीक है, इसको आप लिख लेंगे। अगर हम इसी तरीके से अगर हम लोग प्रोटीन का भी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, अगर मैं प्रोटीन का क्लासिफिकेशन करूं तो पहला जो होता है ये कंप्लीट प्रोटीन होता है और दूसरा इनकम्प्लीट प्रोटीन होता है। तो कंप्लीट प्रोटीन क्या होते हैं, ऐसे प्रोटीन जिनका हाइड्रोलाइसिस किया जाए, जलअपघटन जिनका कराया जाए, उनके जलअपघटन के फलस्वरूप सभी प्रकार के अमीनो एसिड प्राप्त हो जाए, तो ऐसे प्रोटीन क्या कहलाएंगे, कंप्लीट प्रोटीन कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे मीट में पाया जाने वाला प्रोटीन, जैसे फिश में पाया जाने वाला प्रोटीन, इन सभी का हाइड्रोलाइसिस कराया जाए तो सभी प्रकार के अमीनो एसिड क्या होते हैं अपने को प्राप्त हो जाते, इसलिए ये प्रोटीन क्या कहलाते हैं, कंप्लीट प्रोटीन कहलाते हैं। इसी तरीके से इनकम्प्लीट प्रोटीन भी होते हैं, ऐसे प्रोटीन जिनका हाइड्रोलाइसिस कराने पर सभी प्रकार के अमीनो एसिड नहीं प्राप्त होते हैं, वो प्रोटीन क्या कहलाते हैं, इनकम्प्लीट प्रोटीन कहलाते हैं। जैसे कि राइस में पाया जाने वाला प्रोटीन, जैसे कि व्हीट में पाया जाने वाला प्रोटीन। ठीक है, क्लियर। तो ये होगी प्रोटीन का क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट टॉपिक पढ़े फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो एसिड, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो एसिड। ठीक है, अमीनो एसिड के भौतिक गुण
इनमें पहला आप देख रहे हैं अमीनो एसिड जो होते हैं ये कलरलेस होते हैं, है ना। कैसे होते हैं? कलरलेस होते हैं, नॉन वॉलेटाइल होते हैं, नॉन वॉलेटाइल मतलब अवाष्पशील होते हैं, है ना, और क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, रंगहीन अवाष्पशील क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। पहली फिजिकल प्रॉपर्टीज। दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर बात करें हम तो जितने भी अमीनो एसिड होते हैं ये इनसॉल्युबल होते हैं इन पोलर सॉल्वेंट। ध्रुवीय विलायक में इनसॉल्युबल होंगे मतलब अघुलनशील होंगे, लेकिन सॉल्युबल इन वाटर पानी में क्या होंगे? घुलनशील होंगे। पानी में क्या होंगे? सभी ध्रुवीय विलायक में क्या होंगे? अघुलनशील होंगे, लेकिन पानी में कैसे होते हैं? घुलनशील होते हैं। ये तो फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगे। तीसरी जो प्रॉपर्टीज होती है ये द्विध्रुव के रूप में पाए जाते हैं। तीसरी प्रॉपर्टीज आप लिख लेंगे, द्विध्रुव के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, हो गया सभी का? डाइपोल नेचर ऑफ एमिनो एसिड। एमिनो एसिड का द्विध्रुव लेकिन आवाज नहीं। जैसे देखो आर बॉन्ड सी और ये बॉन्ड क्या है? है ना, ये अपने पास अल्फा एमिनो एसिड है। अल्फा एमिनो एसिड है। अभी सीएन के पास लोन पेयर है ना, और ये क्या करेगा? यहां पर पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये लोन पेयर क्या करेगा? इसके ऊपर अटैक करेगा। ये एक्स्ट्रा साइड इसके साथ क्या होगा? जुड़ जाएगा, जिसके कारण इस पर H3N+ का चार्ज आएगा बॉन्ड C, और ये बॉन्ड R बॉन्ड यहाँ पर H, और ये बॉन्ड C O-। अब यहाँ देखिए डाइपोल क्रिएट हो जाता है। इसी को द्विध्रुव नेचर आप किसका कहते हैं? अमीनो एसिड को। और इस कंपाउंड को अपन लोग क्या बोलते हैं? ड्यूट्राइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्यूट्राइन बोलते हैं। ठीक है, एमिनो एसिड का आइसोइलेक्ट्रिक बिंदु। एमिनो एसिड का आइसोइलेक्ट्रिक बिंदु जैसा मूव करते हैं। लेकिन ऐसे कोई पीएस
मांग का विधेयन हो जिसमें किसी अमीनो एसिड को डाला जाए और उसके पैदुतीय क्षेत्र में किसी भी प्रकार का कोई मूवमेंट ना हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, आइसोमेट्रिक पॉइंट कहते हैं, किसका, अमीनो एसिड का, है ना। एग्जाम्पल के लिए जैसे देखें अगर हम लोग, जैसे अपने पास क्या है, ट्रिट्राइन है, ट्रिट्राइन के फॉर्म में होगा यानी H3N+ बॉन्ड C, यहाँ बॉन्ड R, ये बॉन्ड H और ये बॉन्ड C O-। इसको अगर हम लोग एसिडिक मीडियम में डाल दें, है ना, एसिडिक मीडियम में डाल देते हैं तो ये H+ साइन तो यहाँ पर क्या होगा, जुड़ जाएगा, बचेगा क्या, H3N+ और ये बॉन्ड C, यहाँ बॉन्ड क्या, R बॉन्ड H और ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, यानी ये फॉर्म कौन सा होगा, इसका कैटायनिक फॉर्म होगा, कैटायनिक के रूप में होगा, कहाँ पे, एसिडिक मीडियम। लेकिन अगर इसको किसी बेसिक मीडियम में डाला जाए, इसको किसी बेसिक मीडियम में डाला जाए तो ये वो H- को अटैक करेगा इसके ऊपर, ये H2O के रूप में बाहर निकल जाएगा, है ना, यहां पर क्या बचेगा, NH2 बॉन्ड C और ये बॉन्ड CO- और यहां पर R और ये बॉन्ड, यानी ये फॉर्म इसका कौन सा हो जाएगा, एनायनिक फॉर्म होगा, यानी यहां पर ये एनायन के रूप में रहेगा। इसको लिखने के बाद नोट करके आप लिख लेंगे तीसरा पॉइंट, ठीक है, तीसरा पॉइंट लिखो, फिर मैं जाऊंगा, देखो तीसरा पॉइंट आज, उसके पहले ये पॉइंट लिखना आया, तीसरा पॉइंट बाद में लिखना, लिख लो तीसरा पहले लिखो, तो जब एमिनो एसिड को किसी ऐसे पीएच मान के विलेय में डाला जाता है जिससे उसके विद्युतीय क्षेत्र में कोई गति नहीं होती है, कोई गति नहीं होती है, अमीनो एसिड का आइसोइलेक्ट्रिक बिंदु कहलाता है, आइसोइलेक्ट्रिक बिंदु कहलाता है। आइसोइलेक्ट्रिक बिंदु कहलाता है, ओके।